दिन प्रतिदिन सब्जियों के बढ़ते दामों ने आम आदमी को कई सब्जियों का स्वाद ही भुला दिया है। बीते एक माह से भी ज्यादा समय से सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी की परेशानी और बढ़ गई है। सब्जियों के आसमान छू रहे दाम गरीब परिवार की रसोई पर। दिन प्रतिदिन सब्जियों के बढ़ते दामों ने आम आदमी को कई सब्जियों का स्वाद भुला दिया है। मौजूदा समय में अधिकतर सब्जियों के दाम 40 रुपए के पार हैं। शनिवार को पर्यटन नगरी मनाली में मटर 160, टमाटर 60, प्याज 40 रुपए, आलू 50 रुपए, भिंडी 50 रुपए, बैंगन 40 रुपए, गोभी 60 रुपए, गाजर 50 रुपए, खीरा 60 रुपए और हरा प्याज 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा गया। गृहिणियों ने बताया कि सब्जियों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि खरीदना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि टमाटर रसोई की शान है, लेकिन इसके बढ़ते दाम ने रसोई का स्वाद फीका कर दिया है। बहुत ही महंगी हो गई है आजकल, इसका रीजन कोई समझ नहीं आ रहा है। आलू भी आजकल बहुत महंगा है और मटर तो गायब ही हो गए हैं हमारे पास। मटर आ नहीं रहे, 160 रुपए किलो कोई नहीं खरीद रहा है, हमने बेचने बंद कर दिए। और टमाटर भी बहुत महंगा है, 60 रुपए किलो बिक रहा है, 50-55 रुपए आ रहा है हमारे को। गोभी के वही हाल है, लौल की गोभी आ रही है 50+ ये सारी होलसेल में। और आलू भी महंगा है, आलू भी 40 और 50 रुपए के बीच में है। सब चीज़ें महंगी है और लोग जो किलो लेते थे आधा किलो ले रहे हैं, बड़े अपने हिसाब से ही खर्च कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कम नहीं, टमाटर महंगा है, मटर महंगा, सब कुछ महंगा है। तो किस तरह लोग किस तरह खरीदारी कर रहे हैं सर सब्जियों की? किलो लेता हूँ, आधा किलो ले जाता, 2 किलो लेता हूँ, 1 किलो ले जाता। तो बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है और हमें जो भाव आ रहे हैं हम उसमें 2-3 रुपए लेके, हालांकि गवर्नमेंट का 30% मार्जिन है, वो भी नहीं ले रहे कुछ आइटम में। जैसे मटर हो गया, मटर हमारे को 150 रुपए किलो खुद को आ रहा है इस टाइम, और 160 हम बेच रहे हैं। आलू वैसा ही आलू का है, आलू लॉल वालों को फोन करते हैं, 37-38 रुपए लॉल में मांग रहे हैं वो आलू, 40-42 रुपए यहाँ होलसेल बिक रहा है लाल आलू, और फिर 50 नहीं बेचेंगे कहाँ जाएंगे। इसलिए मेरे सरकार से अनुरोध है कि थोड़ा इस बारे में देखा जाए, और बिल्कुल भी काम नहीं है, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है कोरोना वायरस करके। और जो होटल खुलेंगे, जो खर्चा है वो सारा आज पिछले लगभग 2 महीने से कम 2 से 2.5 लाख रुपए अपनी जेब से भर बैठे हैं हम। सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।